हमारे सामने यादगीर का उत्तर कर्नाटक का उदाहरण है। इस क्षेत्र का सामर्थ्य किसी से कम नहीं है। इस सामर्थ्य के बावजूद ये क्षेत्र विकास की यात्रा में बहुत पीछे रह गया था। पहले जो सरकारें थी उसने यादगीर सहित अनेक जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए थे। इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। इसका बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटक ने उठाया, इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया, आप सब मेरे भाइयों बहनों ने उठाया। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। 2014 में आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं जानता हूं कि जब तक देश का एक भी जिला विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जिनको पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। हमारी सरकार ने यादगीर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया, गुड गवर्नेंस पर बल दिया, विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। यादगीर सहित सभी आकांक्षी जिलों को इसका लाभ भी मिला है। आज देखिए, यादगीर ने बच्चों का 100% टीकाकरण कर दिखाया है। यादगीर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। यहां के 100% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार से यादगीर जिले का प्रदर्शन टॉप टेन आकांक्षी जिलों में रहा है। और इसके लिए मैं यादगीर जिले के जनप्रतिनिधियों को, यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यादगीर जिले में
नए उद्योग आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहां फार्मा पार्क की स्वीकृति भी दे दी है।